वेलकम बैक टू सरोज पारन ब्लॉग। और आज इस प्रकार मौसम हो रखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ सरोज ब्लॉग में, करते हैं आपके वीडियो की शुरुआत। तो आप कर लेते हैं थोड़ा सा दिवाली की तैयारी, घर में साफ सफाई। अब कर रहे हैं दीपावली की तैयारी। देखो ऑलमोस्ट सारे रूम के, हॉल के सारे पर्दे निकाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके धो रहे हैं। ये सब क्लोथ निकाल करके कैसा लगता है घर? बड़ा अजीब सा ना, पर्दे लगे हैं, ये सब कैसा लग रहा है? बड़ा अजीब अजीब। जब सब धुल धुल जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, तो फिर कितना अच्छा लगने लग जाएगा। कमरे में होंगे जो सब। ये बाप रे, कितना हो रहा है, निकलते जा रहे हैं। कितने कपड़े धो दिए। वैसे ये पीवीसी पैनल लगाने का बहुत बढ़िया आइडिया है, नहीं तो दीवारें इतनी गंदी हो जाती हैं, फिर इतना पेंट करो, मतलब इतना बिजी हो जाता है आदमी कि कितना काम करेगा। लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हमने ये पिछले साल कराया और ऊपर वाले पोर्शन पे नहीं कराया हमने। अब हम सोच रहे हैं कि हम ऊपर भी करा देंगे, ये बहुत बढ़िया काम है। बस इससे ऐसे साफ़ कर लो और इसे साफ़ करके ये सब साफ़ हो जाता है। लेकिन हमने ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया था, ये गलती करी, अब हम करा देंगे। इसे सफाई करने में इतना इजी होता है, नहीं तो एक आदमी की तो वॉट लग जाएगी, कितनी सफाई करेगा। लेकिन डेली इससे ऐसे हाथ मार लो तो ये सब बढ़िया ढंग से साफ़ हो जाता है। एक डेढ़ साल हो गया इसको लगाए हुए, लेकिन कहीं पे कोई कुछ निशान नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो आज सुबह से काम हो रहा है, सारी चीज़ें धुल रही हैं, ये सब के सारे कर्टन्स, ये सारे सूख जाएंगे, फिर वापस इनको सब लगाना है। निकालना तो आसान होता है, लेकिन इनको फिर लगाना बहुत सरदर्दी का काम है। ये देखो सारे दंद धो के यहाँ रखे। बबता, तू इनको ऊपर के छत में डालेगी कि कहाँ डालेगी? बीच वाले में, ठीक है। अभी ये सब हटा के घर कैसा लग रहा है? ये सब जब ये सब व्यवस्थित हो जाएगा, मैं फिर दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से घर लग रहा है। मुझे तो सब हटा रखा है तो अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो दिवाली में ये सब करना ही पड़ता है। और वैसे भी और दिन भी हम ये सब धोते हैं, सब करते हैं, पर थोड़ा करके। और अभी तो इतने दिन से हमने तैयारी करनी थी, लेकिन आपको पता है कि हम थोड़ा ऐसे उलझ गए थे, ऐसी परेशानी हो गई थी। तो Thank you.
ये सारे दंद धुलेंगे। कैसे टाइम मैनेज करना पड़ता है, जो लोग वर्किंग होते हैं उन लोगों को तो आफत तो है ही, इसलिए मैंने पर्दे सारे रात को ही धो दिए। देख लो धोबी घाट बना हुआ है आज पूरा घर। अब ये दंद उन सब छत में डालेंगे।